वाहेगुरु द खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं पूरी क्या आया हूँ, एकमात्र बड़े गुरुद्वारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये आपको स्वर्ग द्वार के बीच के ऑपोजिट साइड में मिलेगा। यहाँ पर मैं इनका आपको एड्रेस दे दूंगा, आप यहाँ पर रह भी सकते हैं। लंगर है 24 घंटे, यहाँ पर आपको लंगर भी मिलेगा। प्लस सी बीच दिखाई देगा आपको यहाँ से, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे वाहेगुरु जी का यहाँ पर दर्शन है, तभी आप कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पर है सर, आपका नाम सतपाल जी हैं। और ये है रसोई जहाँ पर खाना बनता है, और अंदर में है लंगर की जगह। यह गुल्लक बनाया हुआ है, आप जब चाहें अपने मतलब गुल्लक की वजह से अपने हिसाब से जो चाहे आप वो दे सकते हैं। यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, बस यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। काफी अच्छे रूम से अपने श्रद्धा के हिसाब से जो चाहे आप उनको दे सकते हैं। 600, 800, 900 आपके हिसाब से जो भी है आप उनको दे सकते हैं। ये पूरा रूम बने हुए हैं, वहाँ तक मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यह वॉशरूम में बना हुए हैं, बहुत नीट एंड क्लीन बना हुआ है। और मैं आपको इनका आउटर साइड दिखा देता हूँ। ये श्री आरती साहेब पुरी, यहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर फाउंडेशन भी लिखा हुआ है कि इन्होंने फाउंडेशन किया है। अकाल तख्त साहेब श्री अमृतसर ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अल सिख संगत यहाँ पर है। और इनके ऑपोजिट में आपको मिल जाएगा चिल्ड्रेन पार्क, जो कि भाई हिम्मत सिंह मेमोरियल चिल्ड्रेन पार्क है। ये भी इन्हीं का है, अपोजिट में आपको इनके यहाँ पर मिल जाएगा। बच्चे लोग यहाँ पर खेल भी सकते हैं। हेलो गाइस, और अभी हम आ चुके हैं गोल्डन बीच में, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गोल्डन बीच का पूरा रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या चीज़ के लिए कितना चार्जेस लगेंगे। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग चलेंगे, ये गोल्डन बीच की पार्किंग है, फुल पार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है। अंदर में कैफे भी है, कुकीज़ भी है, एंड यहाँ पर वे टू सी बीच लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग सी बीच की तरफ चलते हैं। फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू सी बीच। जो टिकट आपने परचेज की है वो टिकट आपको यहाँ पर दिखानी पड़ती है, टाइमिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये एंट्री, यहाँ पर एंट्री देनी पड़ती है। और हम लोग एंट्री कर रहे हैं अब गोल्डन बीच पे, जो कि आप देख पा रहे हैं सुपर ब्लू फ्लैग ब्रिज है ये वाला। एंड यू कैन सी हेयर, बहुत ही शानदार बना हुआ ये वाला बीच। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, फिटनेस सेंटर, टॉयलेट, फास्ट एड, सब कुछ। और यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिए अपना इंडिया का झंडा है। बहुत ही शानदार बनाया हुआ ये वाला बीच। तो गाइस ये है गोल्डन बीच का चेंजिंग रूम, जहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इसी चीज़ का 50 रुपीज़ लिया है। और इसी के ऑपोजिट से आपको गेट मिल जाता है यहाँ से एंट्री करने का गोल्डन बीच पे। तो यहाँ से हम लोग अभी एंट्री करेंगे गोल्डन बीच पर। गाइज हम आ चुके हैं गोल्डन बीच पे, जो कि साफ सुथरा बीच है। अब भीड़ भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये शेड्स बने हुए हैं, शेड्स का 100 रुपीज करके लगता है। ये मेरे हीरो हीरोइन आ रहे हैं यहाँ से, हीरो हीरोइन मेरे। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा बीच पर। क्या व्यू है यार, उस साइड में आपको ज्यादा भी नहीं मिलेगी। वो स्वर्ग द्वार का बीच है और ये गोल्डन बीच है। गाइस देखिए बनाया है, सबसे टॉप में आपको मिल रहा होगा त्रिशा, फिर यहाँ से आ जा रहा है आरव, जो कि ये रहा, बीच में हूँ मैं शशि, और ये मेरी वाइफ का नाम तृप्ति। अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज कमेंट जरूर करना। वेलकम बैक गाइस, और ये है मैं गोल्डन बीच में पूरा नहा रहा था। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब भी आओ भी पूरी में तो गोल्डन बीच में यहाँ पर आना। दूसरे बीच से काफी अच्छा बीच है ये वाला, फैमिली क्राउड ज्यादा मिलेगा आपको, नीट एंड क्लीन है, ज्यादा सफाई ज्यादा यहाँ पर है। तो जब भी आप आओ, आप लोग यहाँ पर ही प्रेफर करना आने का। भले चार्जेबल बीच है मगर कंफर्टेबल सबसे ज्यादा आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं बता दिया। आप देख सकते हो ये है, मैं बीच के पीछे हूँ, और चलिए मैं बीच के एक बार वेव लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए मैं पानी के बीच में हूँ। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।